किसी भी भजन को बजाएं या गीत को बजाएं, सबसे पहले नंबर पे हमको स्केल का सिलेक्शन करना होता है। जैसे मैंने अभी ये दूसरे नंबर के काले को अपना सा बनाया है और एक जस को मैं ले रहा हूं, देखिए। पूजय ब्रह्मा विष्णु महेश, ओ पूजय ब्रह्मा विष्णु महेश, आ जाओ गौरी माँ के गणेश, हो। देखिए ये स्केल थोड़ा सा नीचे लग रहा है क्योंकि ये जसों की गायकी होती है वो थोड़े ऊंचे स्वर में होती है, तो इसलिए मैं इस चौथे नंबर के काले को अपना सा बना लेता हूँ, यानी जी शार्प को। अब कौन कौन से स्वर लगने वाले हैं उन स्वरों की हमें पहचान करना है। देखिए ये सा, ये कोमल गा, ये मा, ये पा, ये कोमल्ली और ये सा। सा, कोमल्ली, पा, मा, गा, सा और मंद सप्तक में कोमल्ली और ये कोमल धा, इतने स्वर इसमें लगने वाले हैं। सा 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 गा गा, सा 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 गा गा, गा मा पा, पा मा गा सा, पा मा गा सा। पूजय ब्रह्मा विष्णु महेश, ओ पूजय ब्रह्मा विष्णु महेश, आ जाओ गौरी माँ के गणेश। पहली बार आ जाओ गौरी माँ के गणेश को कैसे कर रहे हैं हम? सा सा गा सा, सा नी दानी सा सा, सा सा गा सा, सा नी दानी सा गा गा सा, आ जाओ गौरी माँ के गणेश। ऐसे भी कर सकते हैं आप, आ जाओ गौरी माँ के गणेश, आ जाओ सा गा गा सा नी धानी सा 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 सा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, सा गा सा नी धानी सा गा गा सा, आ जाओ गौरी माँ के गणेश, और पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश, हो। ये मंद सप्तक के स्वर हैं और कोमल स्वर हैं, इसलिए आड़ी डंडी लगी है, नीचे बिंदु लगा है, मतलब मंद सप्तक के कोमल स्वर हैं। अब देखिए दूसरी बार आ जाओ गौरी माँ के गणेश कैसे कहेंगे? आ जाओ गौरी माँ के गणेश, पापा पानी नी, पापा पानी नी, पामा गा सा सा, आ जाओ गौरी माँ के गणेश, पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश, ओ पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश, आ जाओ गौरी माँ के गणेश। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हारमोनियम बजाने में शब्दों का कोई महत्व नहीं है, शब्द बदल जाने से टोन बिल्कुल नहीं बदलेगी। देख जैसे देखिए अभी मैंने शब्द बदल दिए हैं। तेरा डमो डमो, तेरा डमो डम डम रू बजे, भोले बाबा महादेव हरे हरे, ओ तेरा डम डम। ऊपर वाली लाइन बजा रहा हूं मैं, भोले बाबा महादेव हरे हरे, इसी को, या फिर हम तेरा डम डम डमरू बजे इसी को उठा के बोल रहे हैं। ए भोले बाबा महादेव हरे हरे, तेरा डम डम डमरू बजे, हो। तेरा डम डम डमरू बजे, भोले बाबा महा देव हरे हरे। थोड़ी इसमें
भीम पलासी की झलक है, क्योंकि भीम पलासी के स्वर हैं नी सा गा मा पा नी सा, ये भीम पलासी के स्वर हैं। लेकिन इसमें चूंकि ये कोमल धा लगने से ये भीम पलासी का भाव इसमें यहां जाके खत्म हो रहा है। तेरा डम डम डमरू बजे भोले बाबा महादेव हरे हरे, हे भोले बाबा महादेव हरे हरे, तेरा डम डम डमरू बजे भोले बाबा महादेव हरे हरे। आप इसको दो प्रकार से बजा सकते हैं, भोले बाबा महादेव हरे हरे, यहीं खत्म कर दूं, भोले बाबा महादेव हरे हरे, या भोले बाबा महादेव हरे 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 हरे। तो आप अपना हिसाब है, जितना आप जिस तरीके से गाते हैं, इसमें माल कोश की भी झलक आ रही है, क्योंकि माल कोश की स्वर संगति गा मा गा सा धानी सा सा मा गा सा धानी सा सानी धानी सा। तो मालकोश का भी इसमें भाव आ रहा है, वो पा से उठ के आएगा, चार बार पा दबाने से रिद्धि सिद्धि हो जाएगा, पहली बार दो बार पा दबाने से रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के तुम हो पामागा पामागा रिद्धि सिद्धि के पापा पापा नी पामागा गामा मा दाता गामा मा रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता। दूसरी लाइन भी सेम वैसे ही बजेगी, भाग मेरे के भाग विधाता और काटो बाधा विघ्न कलेश वैसे ही बजेगा जैसे बज रहा था पूजे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाओ गौरी मां के गणेश। और काटो बाधा हो और काटो बाधा विघ्न कलेश आ जाओ गौरी मां के गणेश। और काटो बाधा ओ काटो बाधा विघ्न कलेश आ जाओ गौरी मां के गणेश। रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, भाग मेरे के भाग विधाता, और काटो बाधा विघ्न कलेश आ जाओ गौरी मां के गणेश। तेरा डमो डमो डमरू बजे हो, तेरा डमो डमो डमरू बजे भोले बाबा महादेव हरे हरे। माथे पे चंदा है जटों में गंगा, गले में शिव जी के नाग भुजंगा, तेरी शरणों में आनु पड़े भोले बाबा महादेव हरे हरे। ओ घरदानी तुम बरदानी, महिमा तेरी देव बखानी, तुम देवों के देव बड़े भोले बाबा महादेव हरे हरे। बदन पे ओढ़े हैं मृग छाला, भोले बाबा का है रूप निराला, तेरा डम 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 तेरा डम डम डमरू बजे भोले बाबा महादेव हरे हरे। साथियों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।